हेलो दोस्तों कैसे ही आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है भाभी बहू शब्द सुनते ही मन में सबसे पहला विचार यही आता है कि बहू तो सदा पराई होती है लेकिन मेरी रिंकी भाभी से मिलकर हर व्यक्ति यही कहने लगता है कि बहू हो तो ऐसी रिंकी भाभी ने ना केवल बहू का बल्कि बेटे का भी फ़र्ज़ निभाया पंद्रह साल पहले जब उन्होंने संदीप भैया के साथ फेरे लेकर यह वादा किया था कि वे उनके परिवार का ध्यान रखेंगी वह उनके सुख दुख में उनका साथ देंगी तब से बाचन उन्होंने सदैव निभाया जब बाबू जी संधि भैया के लिए रिंकी भाभी को पसंद करके आए थे तब बुआ जी ने कहा था बड़े शहर की लड़की है भैया जी बातें भी बड़ी बड़ी करेगी हमारे छोटे शहर में रह नहीं पाएगी तब बाबू जी ने मुस्कुराकर कहा था दीदी -दी, मुझे लड़की की सादगी भा गई देखना वह हमारे परिवार में खुशी खुशी अपनी जगह बना लेगी बाबू जी की यह बात सच साबित हुई और रिंकी भाभी कब हमारे परिवार का हिस्सा बन गई पता ही नहीं चला भाभी हमारे परिवार की जान थी उनके बिना त्यौहार विवाह आदि फीके लगते थे भैया सदैव काम में व्यस्त रहते थे इसलिए घर के काम के साथ साथ घर के बाहर के काम जैसे बिजली का बिल जमा करना बाबूजी की दवा आदि लाना सब भाभी ही किया करती थीं माँ के देहांत के बाद उन्होंने मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी इसी बीच राहुल के जन्म ने घर में खुशियों का माहौल बना दिया सारा दिन बाबूजी उसी के साथ खेलते रहते मेरे दोनों बच्चे अपनी मामी के इस नन्हे तोहफे से बेहद खुश थे वे स्कूल से आते ही राहुल से मिलने की जिद करते थे मैं जब भी अपने पति राजीव के साथ अपने मायके जाती तो भाभी न दिन देखती न रात बस सेवा में लग जाती इतना तो माँ भी नहीं करती थीं एक दिन बाबूजी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा मोहिनी राजीव को लेकर फ़ौरन चली आ बेटी रिंकी को तेरी ज़रूरत है मैंने तुरंत राजीव को दुकान से बुलवाया और हम दोनों घर के लिए निकल पड़े मैं सारा रास्ता परेशान थी कि आखिर बाबूजी ने इस समय हमें क्यों बुलाया और भाभी को मेरी जरूरत है ऐसा क्यों कहा मन में सवाल लेकर जैसे ही घर पहुँची तो देखा कि बाहर टैक्सी खड़ी थी और दरवाजे पर दो बड़े सूट केस रखे थे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है अंदर जाते ही देखा कि बाबूजी परेशान बैठे थे और भाभी चुपचाप मूर्ति बनकर खड़ी थी भैया गुस्से में आए और बोले उप तो अब अपनी वकालत करने के लिए रिंकी ने आप लोगों को बुला लिया भैया के ये बोल दिल में तीर की तरह लगे तभी राजीव बोले क्या हुआ भैया आप सब इतने परेशान क्यों हैं इतना सुनते ही भाभी फूट फूट कर रोने लगी भैया ने गुस्से में कहा कुछ नहीं राजीव मैंने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है जिससे बाबूजी सहमत नहीं हैं। मैं विदेश जाना चाहता हूँ वहाँ बहुत अच्छी नौकरी मिल रही है रहने को मकान व गाड़ी भी यह तो बहुत अच्छी बात है भैया राजीव ने कहा राजीव कुछ और कह पाते तभी भैया बोले मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई राजीव मैं अपना जीवन अपनी पसंद से जीना चाहता हूँ अपनी पसंद के जीवन साथी के साथ या सुनते ही मैं और राजीव हैरानी से भैया को देखने लगे भैया ऐसा सोच भी कैसे सकते थे भैया अपने दफ्तर में काम करने वाली नीला के साथ घर बसाना चाहते थे रिंकी मेरी पसंद कभी थी नहीं बाबूजी के डर के कारण मुझे यह विवाह करना पड़ा परंतु कब तक मैं इनकी खुशी के लिए अपनी इच्छाएँ दबाता रहूँगा मैं बाबूजी के पैरों पर गिरकर रोती हुई बोली बाबूजी आप भैया से कुछ कहते क्यों नहीं इनसे कहिए ऐसा ना करें रोके इन्हें बाबूजी रोक लीजिए चारों ओर सन्नाटा छा गया काफ़ी सोचकर बाबूजी ने भैया से कहा संदीप यह अच्छी बात है कि तुम जीवन में सफलता प्राप्त कर रहे हो पर अपनी सफलता में तुम रिंकी को शामिल नहीं कर रहे हो यह गलत है मत भूलो कि तुम आज जहाँ हो वहाँ पहुँचने में रिंकी ने तुम्हारा भरपूर साथ दिया उसके प्यार और विश्वास का यह इनाम मत दो से वह मर जाएगी कहते हुए बाबूजी की आंखों में आंसू आ गए भैया का जवाब तब भी वही था और वे हम सबको छोड़कर अपनी अलग दुनिया बसाने चले गए बाबूजी सदा यही कहते थे कि वक्त और दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती इस बात का आभास भैया के जाने के बाद हुआ सगे संबंधी कुछ दिन तक घर आते रहे दुख व्यक्त करने फिर उन्होंने भी आना बंद कर दिया जैसे जैसे बात फैलती गई वैसे वैसे लोगों का व्यवहार हमारे प्रति बदलता गया फिर एक दिन बुआ जी आईं और जैसे ही भाभी उनके पाँव छूने लगी वैसे ही उन्होंने चिल्लाकर कहा हट बे शर्म अब आशीर्वाद लेकर क्या करेगी हमारा बेटा तो तेरी वजह से हमें छोड़कर चला गया बूढ़े बाप का सहारा छीन चें कर चैन नहीं मिला तुझे अब क्या जान लेगी हमारी मैं तो कहती हूँ भैया इसे इसके मायके भिजवा दो संदीप वापस चला आएगा बाबूजी तुरंत बोले बस दीदी बहुत हुआ अब मैं ये कि भी शब्द नहीं सुनूंगा रिंकी इस घर की बहू नहीं बेटी है संदीप हमें इसकी वजह से नहीं अपने स्वार्थ के लिए छोड़ कर गया है मैं इसे कहीं नहीं भेजूँगा ये मेरी बेटी है और मेरे पास ही रहेगी बुआ जी ने फिर कहा कहना बहुत आसान है भैया जी पर जवान बहू और छोटे से पोते को कब तक अपने पास रखोगे आप तो कुछ कमाते भी नहीं फिर इन्हें कैसे पालोगे मेरी सलाह मानो इन दोनों को वापस भिजवा दो क्या पता रिंकी में ऐसा क्या दोष है जो संदीप इसे अपने साथ रखना ही नहीं चाहता यह सुनते ही बाबूजी को गुस्सा आ गया और उन्होंने बुआ जी को अपने घर से चले जाने को कहा बुआ जी तो चली गई पर उनकी कही बात बाबू को चैन से बैठने नहीं दे रही थी उन्होंने भाभी को अपने पास बैठाया और कहा बस रिंकी अब रोकर अपने आने वाले जीवन को नहीं जी सकती तुझे बहादुर बनना पड़ेगा बेटा अपने लिए अपने बच्चे के लिए तुझे इस समाज से लड़ना पड़ेगा तेरी कोई गलती नहीं है संदीप के हिस्से तेरी जैसी सुशील लड़की का प्यार नहीं है तू चिंता ना कर बेटा मैं हूँ ना तेरे साथ और हमेशा रहूँगा वक्त के साथ भाभी ने अपने आप को संभाल लिया उन्होंने कॉलेज में नौकरी कर ली और शाम को घर पर भी बच्चों को पढ़ाने लगी समाज की उंगलियां भाभी पर उठती रहीं पर उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा राहुल को स्कूल में डालते वक्त थोड़ी परेशानी हुई पर भाभी ने सब कुछ संभालते हुए सारे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली भाभी ने यह साबित कर दिया कि अगर औरत ठान ले तो अकेले पूरे समाज से लड़ सकती है इस बीच भैया की कोई खबर नहीं आई उन्होंने कभी अपने परिवार की खोज खबर नहीं ली सालों बीत गए भाभी अकेली परिवार चलाती रहीं पर भैया की ओर से कोई मदद नहीं आई एक दिन भाभी का काले से फ़ोन आया दीदी घर पर ही होना शाम को आपसे कुछ बातें करनी है हाँ हाँ भाभी मैं घर पर ही हूँ आप आ जाओ शाम छः बजे भाभी मेरे घर पहुँची थोड़ी परेशान लग रही थी चाय पीने के बाद मैंने उनसे पूछा क्या बात है भाभी कुछ परेशान लग रही हो घर पर सब ठीक है थोड़ा हिचकते हुए भाभी बोली दीदी आपके भैया का खत आया है मैं अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी बोली इतने सालों बाद याद आई उनको अपने परिवार की या फिर नई बीवी ने बाहर निकाल दिया उनको ऐसा ना कहो दीदी आखिर वे आपके भाई हैं भाभी की बात सुनकर एहसास हुआ कि आज भी भाभी के दिल के किसी कोने में भैया हैं मैंने आगे बढ़कर पूछा भाभी क्या लिखा है भैया ने भाभी थोड़ा सोच बोली दीदी वे चाहते हैं कि बाबूजी मकान बेचकर उनके साथ चलकर विदेश में रहें क्या कहा, कहा बाबूजी मकान बेच दे भाभी बाबूजी ऐसा कभी नहीं करेंगे और अगर वे ऐसा करना भी चाहते हैं तो मैं उन्हें कभी ऐसा करने नहीं दूंगी भाभी आप जवाब दीजिए कि ऐसा कभी नहीं होगा वह मकान बाबूजी के लिए सब कुछ है मैं उसे कभी बिकने नहीं दूँगी वह मकान आपका और राहुल का सहारा है भैया को एहसास है कि अगर वह मकान नहीं होगा तो आप लोग कहाँ जाएंगे? आपके बारे में तो नहीं पर राहुल के बारे में तो सोचते आखिर वह उनका बेटा है मेरी बातें सुनकर भाभी चुप हो गई और गंभीरता से कुछ सोचने लगीं उन्होंने यह बात अभी बाबूजी से छिपा रखी थी हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें तभी राजीव आ गए और हमें परेशान देख कर सारी बात पूछी बात सुनकर राजीव ने भाभी से कहा भाभी आपको यह बात बाबू जी को बता देनी चाहिए संदीप भैया के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे यह सुनते ही भाभी डर गई फिर हम तीनों तुरंत घर के लिए निकल पड़े घर जाकर भाभी ने सारी बात विस्तार से बाबूजी को बता दी बाबूजी कुछ विचार करने लगे उनके चेहरे से लग रहा था कि भैया ऐसा करेंगे उन्हें इस बात की उम्मीद थी उन्होंने राजीव से पूछा राजीव तुम बताओ कि हमें क्या करना चाहिए राजीव ने कहा संदीप आपके बेटे हैं तो जाहिर सी बात है कि इस मकान पर उनका अधिकार बनता है पर यदि आप अपने रहते यह मकान भाभी या राहुल के नाम कर देते हैं तो फिर भैया चाहकर भी कुछ नहीं कर सकेंगे राजीव की यह बात सुनकर बाबूजी ने तुरंत फैसला ले लिया कि वे अपना मकान भाभी के नाम कर देंगे मैंने बाबूजी के इस फैसले को मंजूरी दे दी और उन्हें विश्वास दिलाया कि वे सही कह रहे हैं ठीक है दस दिन बाद भैया घर आ पहुँचे और आकर अपना हक मांगने लगे भाभी पर इल्ज़ाम लगाने लगे कि उन्होंने बाबूजी के बुढ़ापे का फ़ायदा उठाया है और धोखे से मकान अपने नाम करवा लिया है भैया की कड़ी बातें सुनकर बाबूजी को गुस्सा आ गया वे भैया को थप्पड़ मारते हुए बोले ना लाए कोई तो अच्छा काम किया होता रिंकी को छोड़कर तूने पहली गलती की और अब इतनी घटिया बात कहते हुए तुझे ज़रा सी भी लज्जा नहीं आई उसने मेरा फ़ायदा नहीं उठाया बल्कि मुझे सहारा दिया चाहती तो वह अभी मुझे छोड़कर जा सकती थी अपनी अलग दुनिया बसा सकती थी पर उसने वे जिम्मेदारियां निभाई जो तेरी थी तुझे अपना बेटा कहते हुए मुझे अफसोस होता है भाभी तभी बीच में बोली संदीप आप बाबूजी को और दुख मत दीजिए हम सबकी भलाई इसी में है कि आप यहाँ से चले जाएँ भाभी का आत्मविश्वास देख कर भैया दंग रह गए और चुपचाप लौट गए भाभी घर की बहू से अब हमारे घर का बेटा बन गई थी आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी धन्यवाद